नमस्कार साथियों, स्वागत हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी में जो वन लाइनर क्वेश्चन मतलब कि एक शब्द में, ठीक है, उसका उत्तर देते हैं, उस क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, ठीक है, 1935। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 आपातकाल में, ठीक है, आपातकाल मतलब कि देश पे कोई विदेशी आक्रमण हो या कोई ऐसी देश में घटना हो गई हो, आपातकाल लगाया जाता है। तो भारत में आपातकाल कब लगा था? इंदिरा गांधी के समय। भारत की संविधान सभा की सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये था आपका कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी भारत की संविधान सभा। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष ये अस्थाई अध्यक्ष थे, परमानेंट, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई नॉन परमानेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थाई थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्यायालय की बात कही गई है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, भारत क्या है? प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत के पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को आपका भारत बन गया था पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, संविधान सभा की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार किया गया था। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, धीरे पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ? संविधान सभा में कहीं नहीं। ठीक है, संविधान में कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक, भारत राज्यों का संघ है। अगला, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद एक में इंडिया को भारत भी कहा गया है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो यह आपकी संघीय प्रणाली में है। भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, जिसमें लोकतंत्र चलता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं, एकल मतलब कि आप की नागरिकता एक ही होगी। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भारतीय संवाद निकट है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली? तो कर्नाटक के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान के आधारभूत अवलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता? तो ये संप्रभुता और भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है। संघ सूची में कितने मदे हैं? तो संघ सूची में 97 मदे हैं। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? जातीय व्यवस्था। ठीक है, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? जातीय व्यवस्था। ठीक है, किस संविधान की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? वह का लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का मतलब जिसमें जनता का शासन चलता, इसमें जनता द्वारा चुने गए नेता देश को चलाते हैं, वो भी 5 सालों के लिए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किसमें से जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की रीटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? परमा आदेश और प्रतिषेध। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के किए जा सकते हैं। कौन सी याचिका या परमा आदेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य के लिए दी जाती है? तो सिविल परमा आदेश। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधि का अधिकार है। विधि का मतलब संविधान का अधिकार, भारतीय संविधान का है। ठीक, इसके बाद आपका आता है अगला। वो कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो ये आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो 32वां अनुच्छेद। ठीक है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तीसरे में। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के तहत। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन द्वारा।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? ठीक है, 11। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो यह आपका संविधान के अनुच्छेद 17। कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते, ठीक है, कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है, ठीक है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो आपका ये राजनीतिक अधिकार से संबंधित है, राजनीतिक अधिकार से। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? ये तो आपका है गोलक नाथ बदनाम पंजाब सरकार 1967। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ये आयरलैंड से ली गई थी। क्या कर सकते हैं? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व से। भारत के संविधान में निदेशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो आपका अनुच्छेद 37। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत या कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायतों का आयोजन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का आयोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की उपेक्षा राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है। यही आपका अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के तहत बहुत सारे संविधान संशोधन किया गया था, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो वो आपका 1 माह के अंदर, ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो आपके थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिनंदन? संसद का, ठीक है, संसद का। भारत यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के दूसरे सदस्य को नामित किया जा सकता है
राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, आंग्ल मतलब जो विदेशी है, ठीक, उनको उनके दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करती है। भारत के राष्ट्रपति को सुरक्षा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किसकी कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष राज्यसभा के, ठीक है, 6 वर्ष के लिए होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी इस समय है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए उनको त्याग पत्र देना है अपना, किसको देंगे? उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक निकाय क्या है? वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो 5 वर्षों के बाद की जाती है। केंद्र सरकार ने किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग, ठीक है। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, भारत की आकस्मिकता निधि का, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 80, भारत के अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, ठीक, इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं, आपकी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, ठीक है। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राज्य के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उनके विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है, ठीक है। भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ये 3 बार की है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू होता है? 356, 352, 360, ठीक है, ये 3 है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो या त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ये लोकसभा के अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई नहीं है, ठीक है, आप मरते दम तक चुनाव लड़ सकते हैं। संसद के दो सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? 3 बार। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे।
राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लाया गाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा द्वारा। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ये आपकी ब्रिटिश संविधान द्वारा की गई है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसको अपर हाउस मतलब उच्च सदन, ठीक है। ये आपको क्या है, ये आपका उच्च सदन है। कौन है? राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, अगला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो ये लोकसभा लेखा समिति, ठीक है। भारतीय संसद में लोकसभा लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, ठीक है, तो कौन होगा? विपक्षी दल का नेता। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष के लिए होता है? ये 6 वर्षों के लिए होता है, 6 वर्षों के लिए, ठीक है। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? ये आपका संसद है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत संसद को, संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त है। मंत्रिमंडल सामूहिक, मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है या आपका लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है तो ये उपस्थित उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ठीक है। भारतीय संसद में कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा में। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशा है? संसद के सत्र का अंत। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। संसदीय प्रकार की सरकार एक प्रमुख विशेषता है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद एक का सामूहिक उत्तरदायित्व तो है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व कब आई थी? तो अप्रैल 1952 में।
योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संसदीय प्रकार की सरकार वह बराबर वालों में पहला होता है प्रधानमंत्री। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो म्यूर का है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रहता है? जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। लोकसभा का विश्वास मतलब कि उसके सदस्य कब तक उसके साथ हैं। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंधन पर। भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नियुक्ति के द्वारा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो भारत की संचित निधि को। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? अधिनियम 1935। भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष में। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शीय अधिकार क्षेत्र। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? अभिरक्षक कौन है? तो भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य है? भारत का नागरिक होना। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो और एक प्रतिष्ठित विवेकता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो फिर वो वकील नहीं बनेगा। वकील नहीं बनेगा मतलब कि अपने से छोटे पद पर नहीं जाएंगे। आप न्यायाधीश होके अब दूसरे न्यायालय में जाके वकील का काम नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 25। ठीक है, कितने न्यायाधीश? 25। 25 तो हो जाएंगे आपके छोटे और एक होगा मुख्य, अरे सॉरी 25 तो टोटल हो जाएंगे 26 न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, अगला, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्णय विधि। निर्णय विधि। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, 159। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? विथा गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 323A के तहत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, भारत में किस स्तरों में अदालतें होती हैं? ये तीन स्तर में होती हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को कहाँ से कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय। वो कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? तो वित्त आयोग द्वारा, वित्त आयोग, संघ आयोग और चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 171, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना आपके 1950 में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा। भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आपका ये किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने वाले अधिकार। ठीक है, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2004 में चुनी गई लोकसभा है 14वीं लोकसभा। ठीक, 2004। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसे जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त किया कर लिया हो या 4 या अधिक राज्यों में सरकार हो। हाँ, ये पूछा है कि भारत का कोई भी राजनीति दल राष्ट्रीय होगा। ठीक है, कोई भी दल राष्ट्रीय दल कब होता है? देखिए, राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या करना, क्या हो मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टी या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो देखिए, अगर जितना वोट पड़ा है, ठीक है, उसका 6%, 6% आपको होनी चाहिए, या आपकी जो पार्टी है, ठीक है, वो कम से कम 4 राज्यों में सरकार बनाए। ठीक है, 4 राज्यों में आपकी सरकार होनी चाहिए, या कुल पड़े वोटों का 6% आपकी पार्टी को मिला हो, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। फिलहाल में आप, ठीक है,
ये आपकी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, ठीक, वो फिलहाल बन चुकी है राष्ट्रीय पार्टी गुजरात के चुनाव के बाद, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है, कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे होती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अथवा विभिन्न विधानसभाओं के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब जब वह कुल मतदान के 1/6 भी प्राप्त न की जा सके कर पाया हो। देखिए, कोई प्रत्याशी अगर चुनाव हुआ है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बनारस सीट से बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आपका लोकसभा सांसद है। मान लीजिए वहां पर 20 लाख, 10 लाख, 1, 2, 3 हजार, 10 हजार लाख, 10 लाख, 20 लाख वोट पड़े हैं, ठीक है। अगर 20 लाख का 1/6, समझ रहे हैं ना, 1/6 मतलब जो हम जब डिवाइड कर देंगे, अगर 20 लाख टोटल वोट पड़े थे उसमें से आप अगर कितना जाएगा 3.3 लाख वोट नहीं पाए, ठीक है, वोट अगर नहीं पाए तो आपकी जमानत जब्त की जा सकती है, ठीक है। देखिए, जब जहां से मोदी चुनाव लड़े हैं वहां से कई पार्टियों के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो चुकी है, क्योंकि 50% से ऊपर मोदी ही वोट पाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता दल ने, जनता दल ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तिल लद्दाख। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन जी थे। संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ठीक है। श्री एन गोपाला स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला? तो नवीन चावला जी ने। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता, ठीक है, आचरण संहिता है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है, ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषी आधार पर बनाया गया था, ठीक है, तो आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया था। राज्यों को भाषी आधार पर कब पुनर्गठित किया गया? तो ये 1956 में, ठीक है, 1956 में। राज्य राजमार्ग अनुरक्षण करते हैं तो ये थे आपके व्यक्ति राज्य। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो ये आपकी कितना है? 500, ठीक है। राज्यसभा राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो एक, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से कटकर नए राज्य का नाम था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य विधान परिषद बनाए या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह अब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक, इसको अरुणाचल प्रदेश को पहले कहा जाता था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हैं। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है समीवर्ती सूची में। जंगल भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई है। किस अनुसूची में सूचीबद्ध है? या आपकी समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई है। यह किस सूची में सूचीबद्ध है? तो राज्य सूची में। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरा और नेपाली। दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो 10वीं अनुसूची में। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायत राज्य से। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 74वां। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का निर्णय करती है? तो नगर पालिका परिषद। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए को सम्मिलित किया गया? तो भाग 9 को। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तर। भारत में त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो ये जिला परिषद के प्रति। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? सरकारिया आयोग ने। किस राज्य ने पहले पंचायती राज अपनाया था? तो राजस्थान ने। राजस्थान ने, ठीक। तो हम चलते हैं थोड़ा और। सार्वजनिक पद का अधिकार है राजनीति का अधिकार, ठीक। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेय भाषा का अधिकार दिया? ये तमिल। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। लेखपाल का विचार लिया गया स्कैंडिन विषाई देशों से। स्कैंडिन विषाई देशों से, ठीक है। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रॉबेस पियर को। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो ये विधि द्वारा, ठीक है। राज्य सरकार किस एजेंसी की है? तो राज्य की। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं? तो ये चीन, फ्रांस, रूस, यूके एंड यूएस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी? सुरक्षा परिषद को, ठीक है, सुरक्षा परिषद को। राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं है। तो राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ठीक है।
यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? सीनेट के सहमति द्वारा। जैसे हमारे यहाँ संसद है, उसी प्रकार से अमेरिका में सीनेट है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अमेरिका की संसद को सीनेट कहा जाता है। ठीक है। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो इसकी शुरुआत सेंट पीटरबर्ग से हुआ था। ठीक है, सेंट पीटरबर्ग से। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368। कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? लोकतंत्रीय सरकारें। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? 2001 में। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1992 में। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सी सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो जर्मनी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए ১৯৭২ में चीन का दौरा किया? तो रिचर्ड निक्सन ने। ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? रिचर्ड निक्सन ने। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लूटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। ठीक है। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियोवेली ने। मैकियोवेली ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? अरस्तु का। मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? रूसो ने। भारत की आत्मा गांव में निवास करती, यह कथन किसका है? गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी का। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लूटो ने। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। द्वि द्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? यह आपका साम्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा देश अब तक भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब द्वारा। ठीक है। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था रूसो ने। रूसो ने। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एकल दलीय राज। ठीक है। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ठीक है। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से शुरू हुई? ग्रेट ब्रिटेन से। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सशक्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ? 2013 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक लंपट उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो 377। 377। ठीक है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का प्रमुख कारण है अल्पसंख्यक का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। भारत में सांप्रदायिकता मतलब कि
धर्मवाद, धर्मवाद ठीक है। जैसे हिंदू धर्म, हिंदू धर्म और बताइए, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म ठीक है। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का एक स्वायत्ता स्वशासी निकाय बनाया गया था? असम में ठीक है, असम में। किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को संभव बनाती है? ये राजनीतिक दल। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब नेता कौन थे? तो लियोनिड ब्रेजनेव ठीक है, लियोनिड ब्रेजनेव। मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में, प्राचीन यूनान में। मतलब जो हम लोग मत देते हैं फिलहाल, अब तो हम लोग बैलेट पेपर हटा दिया गया है, अब तो हम लोग बटन वाली मशीन आ गई है जिसको प्रेस करते हैं और हमारा मत उस पार्टी को पड़ जाता है ठीक है। तो प्राचीन में सबसे पहले यूनान जो बैलेट पेपर होता है वो शुरू हुआ था ठीक है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है नैतिकता का खतरा। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप, संघीय स्वरूप ठीक है। इसके बाद भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संघों का राज्य, ये पीछे था क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रवाद किसका होता है? तो ये सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता पर होता है। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा निरीक्षक पद का सुझाव दिया गया? 1919 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1931 में। भारत की अंतरकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296 ठीक है। भारत के संविधान के सबसे ऊपर अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 276वां क्वेश्चन है, किस देश का अलिखित संविधान है? यूके का ठीक है। मतलब बिना लिखा वो कुछ भी मनमाना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई 1993 में। केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची से संबंध है? ये केंद्रीय सूची से संबंध है। शटल कुंटी नीति का विचार किस शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? ये मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? संवैधानिक राजशाही। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? इटली में। राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्य सभा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सहज संवृद्धि। किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदस्यों, दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड और जर्मनी में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये पर्यावरण और वन के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए हैं?
85 हो गया है, तो मेरा टारगेट भी 300 तक किया गया है, ठीक है 300 तक। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? यह आपकी समाजवादी है, ठीक है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? कनाडा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन की। क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण 290। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में दिया गया है। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा 32 के अंतर्गत। कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर उच्च न्यायालय को जारी करता है? तो प्रतिषेध। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है? ये दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है 5 प्रकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता के अधिकार पर, ठीक है। 44वें संविधान 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? ये संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई की सरकार थे, ये मोरारजी देसाई आपके कांग्रेस द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? यह था 32, ओनली 32। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है? यह किसका कथन है? लास्की का। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद आपका 19 में, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? आपके टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 हुआ था। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधान मंडल के किसी भी सदस्य होते हैं, ठीक है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर करते रहिए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दो सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया कर सकता है? तो ये टोटल 14 सदस्यों को नामित कर सकता है। पहला क्या है, ये 12 लोकसभा से,
12 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से। समझ आ गया आपको? 2 12 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला? तो आपके थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, एस राधा मित्र श्री, ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद से राजनीति के निरीक्षक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार का प्रमुखता की स्थिति मिली है? तो 42वां संशोधन, राम राज्य के माध्यम से, राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति से निरीक्षक सिद्धांत पर। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित क्या कहता है? राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत के द्वारा। संविधान का कौन सा भाग राजनीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। किस नीति निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव डाला? गोवर्धन पर डाला था। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में लगभग 315 क्वेश्चन करा दिया है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।